हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अजय, स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लासी यूट्यूब चैनल पे। शुरू करेंगे आज के 2 अक्टूबर करंट अफेयर वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन के द्वारा। और आज ही हमारा दूसरा वीडियो आ रहा है 21 सितंबर से लेके जो है 30 सितंबर के मध्य, जितने भी करंट अफेयर के हमारे द्वारा बताए गए आपको क्वेश्चन है, उनका एक टेस्ट वीडियो है जो आपको ज्वाइन करना है, जिसमें आप अपना जो है करंट अफेयर का जो है रिवीजन कर पाएंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फर्स्ट कॉमेंट के द्वारा भी आपको मिल जाएगी। तो शुरू करेंगे आज के 2 अक्टूबर करंट अफेयर वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। भारत ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो किसका किया, वो क्या ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज जो मिसाइल है उसका जो है सफल परीक्षण किया भारत के उड़ीसा में, उड़ीसा के बालसोर के अंदर। बालसोर में जो है सुपरसोनिक जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका 30 सितंबर को सफलतापूर्वक प्रायोगिक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल 8.4 मीटर लंबा और 6.06 मीटर चौड़ा है, और इसका वजन कितना है, 3000 किलोग्राम। यह मिसाइल 300 किलोग्राम वजन तक विस्फोटक ढोने 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता रखता है। यह सुपरसोनिक रूस मिसाइल आवाज़ की तेज़ी से भी जो है 2.8 गुना तेज जाने की क्षमता रखता है, और इस मिसाइल को पानी जहाज, हवाई जहाज, जमीन या मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। यानी जो इसकी खासियत है कि इसको पानी के जहाज, हवाई जहाज, मशीन, जमीन या मोबाइल लॉन्चर से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है या छोड़ा जा सकता है। आगे देखें फटाफट रिवीजन क्वेश्चन 1 के साथ देखेंगे। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट के मामले ने फैसला सुनाते हुए कितने आरोपियों को बरी कर दिया है? तो वो कर दिया है लालकृष्ण आडवाणी समेत 32 लोगों को, जिसमें जोशी साहब भी शामिल है, मनोहर जोशी। किस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने और सिगरेट अन्य तंबाकू जो उत्पाद अधिनियम 2003 है उसके अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वह महाराष्ट्र सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह 30 सितंबर को। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस स्टार को चुना है? तो वह अभिनेता अमिताभ बच्चन को। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के किस डायरेक्टर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के लिए चुना गया है? तो वह शेखर कपूर को। विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य किसे चुना गया है? तो वह हरमीत कौर बादल को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? तो वह भारत के अंदर। विश्व हृदय दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी विश्व वर्ल्ड हार्ट डे किस दिन मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 29 सितंबर को। 2 नंबर क्वेश्चन आज का कि ब्रिक्स देशों ने नव विकास बैंक यानी NDB ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम यानी RRTS परियोजना के लिए कितने करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दी है? तो वह 50 करोड़ डॉलर के जो है कर्ज की मंजूरी दी है। ब्रिक्स देशों के नव विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड जो ट्रांजिट सिस्टम में परियोजना के लिए 50 करोड़ डॉलर और बॉम्बे मेट्रो के लिए 24.1 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दी है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS परियोजना के लिए मंजूर किए गए 50 करोड़ डॉलर का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड तीव्र रेल गलियारे के विकास के लिए करेगा। यह गलियारा दिल्ली को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और मेरठ से जोड़ेगा। RRTS की कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर होगी। इसकी लंबाई कितनी होगी, 82.15 किलोमीटर। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस किस दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है पूरे विश्व भर के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस प्रत्येक साल उन लोगों को
प्रयास को पहचानने हेतु मनाया जाता है जो कॉफी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य कॉफी पेय को बढ़ावा देना है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उन सभी लोगों को प्रति आदर सम्मान व्यक्त करना है जो खेत से दुकान तक कॉफी को पहुंचाने हेतु बहुत ही बड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने हाल ही में साल 2015 में इटली के मिलान में पहला जो है कॉफी दिवस आयोजित किया था। जो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस है उसने 2015 में इटली के मिलान में पहला है जो है विश्व कॉफी दिवस आयोजित किया था। भारत ने केन्या और किस देश के साथ एक दूसरे के देशों में विमान के आगमन की व्यवस्था पर एयर बबल स्थापित किया, तो वह भूटान। भारत ने केन्या और भूटान के साथ एक दूसरे के देशों में विमानों के आगमन की व्यवस्था पर एयर बबल स्थापित किया। इस समझौते के तहत भारत अपनी हवाई सेवा इन दोनों देशों में देगा, वहीं ये दोनों देश भारत में अपनी सेवाएं दे सकेगा। एयर बबल व्यवस्था के अंतर्गत किन्हीं दो देशों में फंसे वहाँ के नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की प्रक्रिया है। कोरोना महामारी के बीच बहुत से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जिनका वीज़ा खत्म हो रहा है। शुरू में वंदे मातरम भारत मिशन के तहत भारत ने कुछ स्पेशल उड़ानें चलाई और दुनिया भर से भारतीयों को देश वापस ले गया। वहीं इसके बाद एयर बबल व्यवस्था की शुरुआत की गई है। आगे देखें 5 नंबर की, इतनी शक्ति हमें देना दाता की जो गीतकार है और लेखक है, निम्न में से कौन है जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया, तो वो कौन है? तो वह अभिलाष। कौन है? अभिलाष। जो अभिलाष गीतकार और लेखक है जिन्होंने लिखा है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, जो गीत है फेमस गीत है, उनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि बॉम्बे के हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ है। वे 74 वर्ष के थे। उनके मुख्य गीतों में उनकी इतनी शक्ति हमें दाना दाता, संसार है, नदिया और आज की रात न जा सहित काफ़ी मशहूर इनकी गीत हैं। अभिलाष के करियर के लिए अंकुश फिल्म का गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता ये बड़ा बहुत मोड़ साबित हुआ। इस गाने को लिखने में उन्हें 2 महीने का वक्त लिखा था। विश्व की 8 भाषाओं में इस गीत का अनुवाद हो चुका है। आज का जो सवाल है जिसका आपको राइट आंसर देना है नीचे कमेंट के द्वारा, और सही आंसर देने वाले सभी विजेताओं के नाम अगले वीडियो के अंदर शेयर किए जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि असम की किस पहली महिला और एकमात्र महिला जिन मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थी? आपको नाम बताना है। ऑप्शन है सुमन चक्रवर्ती, निंदनी सतपथी, सुयोधा अनवरा तोमर या मोना शर्मा। आपने जो राइट आंसर है नीचे कमेंट के द्वारा, और सही आंसर देने वाले सभी विजेताओं के जो नाम है अगले वीडियो के अंदर शेयर किए जाएंगे। आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले भी इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? जो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है, तो वो की है असम सरकार ने। असम सरकार ने हाल ही में पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है। इसके तहत इच्छुक उद्यमी को 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। असम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से असम सरकार द्वारा आयोजित एक पर्यटन सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि इस योजना की कल्पना उद्यमी को सशक्तिकरण देने के लिए की गई है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर्स पर्सन किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो जो कि विश्व को भर में मनाया जाता है, वो विश्व वृद्ध दिवस। बुजुर्गों की भलाई और जरूरतों को बारे में जागरूकता बढ़ाने, उनकी ओर ध्यान लोगों का केंद्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की शुरुआत की थी। 1990 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। कब उसी इसकी शुरुआत वृद्धजन दिवस मनाने की, तो वो हुई थी 1990 के अंदर। बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार अन्याय पर रोकथाम के लिए इस दिवस को मनाने का क्या निर्णय लिया गया था? 8 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका की निजी एक्टिविटी कंपनी है सिल्वर लेक, कौन सी कंपनी? सिल्वर लेक पार्टनर्स ने हाल ही में रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है? तो वो की है 1875 करोड़ रुपए। कितना? 1875 करोड़ रुपए के जो है अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है। इससे
आरआरवीएल में सिल्वर लेक और उसके सहायक निवेशकों का कुल निवेश 9,375 करोड़ रुपये हो जाता है। ये आरआरवीएल की 2.13% एक्टिविटी हिस्सेदारी को बराबर होगा। बयान में कहा गया कि इस नए निवेश के लिए रिलायंस रिटेल का मूल्यांकन 4.285 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इससे पहले अमेरिका की एक अन्य निजी एक्टिविटी कंपनी जनरल अंटार्कटिका ने रिलायंस रिटेल में 0.84% हिस्सेदारी के लिए 3,675 करोड़ रुपए का निवेश करने की क्या है घोषणा की थी। आगे देखेंगे पिछली वीडियो का क्वेश्चन और सही आंसर देने वाले सभी विजेताओं के नाम। लास्ट डे का जो क्वेश्चन था वो था कि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दी है। यानी तो वो दी थी इम्फाल, चेन्नई और रांची के अंदर। और जो आज की मोटिवेशन लाइन है वो है कि किताब के पन्ने तो सही से लिखे जाते हैं, किस्मत के पन्नों को लिखना है तो पसीने को सही मनाओ। यानी मेहनत करो और जो है अपना जो है किस्मत लिखो। और सही आंसर दिए पिछले वीडियो के क्वेश्चन का तो उनके नाम है कुछ इस प्रकार। पहले स्थान पे है रामदेव मौर्या, जयंत शर्मा दूसरे पे, सुधांशु कुमार तीसरे पे, आगे है अंजना सिंह, दिनेश मीणा, मानसी गुप्ता, तनु बिष्ट, निशि शर्मा, विजेंद्र कुमार, दुर्योधन शाह, सपना कुमारी, सत्यावीर, सोनम कुमारी, महादेव अकेडमी, नारायण ग्रासिया, सुनील कुमार, नितिका सिंह, प्रकाश बावरी, कुशाल पांडे। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नए आए इस चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 4 सितंबर जो करंट अफेयर का जो है टेस्ट वीडियो है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगी, या यहाँ पर आपको जो थंबनेल दिखाई दे उसके द्वारा भी इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यानी 21 सितंबर से लेके जो है 1 अक्टूबर तक की जितने भी वीडियो आपके साथ शेयर किए गए करंट अफेयर के, उनके उनमें से ही जो है ये आपके लिए टेस्ट वीडियो होगा जिसको आपको ज्वाइन करना है। तो रेगुलर जो है वो ज़रूर इसे ज्वाइन करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।